जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उनके कि जो आर्टिकल 370 हटा है वो लीगल वे से हटा है, कानूनी तौर पे हटा है। और इसके ऊपर बड़ी खबर यह है कि जो महाराजा हरी सिंह थे उनकी औलाद ने भी वेलकम किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, डिसीजन। उन्होंने बहुत स्टेबल कर लिया, उन्होंने 1985 के अंदर जो अपने उन्होंने मतलब वो किए हैं, अपने सिस्टम डेवलप किया अपना सारा, उन्होंने एक कंसेंसस किया पॉइंट्स के ऊपर कि ये चीज़ें हमने इनको नहीं छेड़ना, उन्होंने उस चीज़ को नहीं छेड़ा, जो बेसिक पॉइंट उन्होंने रखे हैं उन्होंने नहीं छेड़ा। कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट, कश्मीर में बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट की है वहाँ के लोगों को, मतलब उन्होंने एक हिसाब से डेवलपमेंट करके जो है उन लोगों को सेटल किया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि आज भी जब कोई मामला इशू होते हैं तो क्या है कि वही नारे लगते हैं, वही दो नंबरी होती है, वही ड्रामेबाजी होती है। लोग बहुत अच्छे हैं, उन मेरे यहाँ भैन भरावान मुँह बोली भैन सिखनी है, हिंदी नहीं है, मेरी असल भैन है, मैं लंदन रहना तो मैं असल भैन को घट रहना, मैं सिखनी को हिंदी को ज्यादा जाता, इंसान इंसानियत है। वहाँ पे G20 हुई, कोई इस चीज से इनकार करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने भाई उन्होंने डेवलपमेंट किया, उन्होंने सऊदी अरेबिया, UAE, इंडिया के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर, उन्होंने अपना फॉरेन पॉलिसी जो अपनी शिफ्ट की है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी की है कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे, ठीक है। अब तो मतलब हमें जरूरत है कि हम किसी एक पॉइंट, मतलब पॉइंट के ऊपर आए हम कि भाई अब बस बहुत ये चूरन ना बस। मैं जड़ी चीज ऑब्जर्व कीती है इंडिया ले तो अंग्रेजी क्यों इतनी टोकन दे हैं, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਪੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੰਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਉਗੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫੂਕ ਬਣ ਜਾਣੀ ਐ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਡਾਕਟ੍ਰਾਈਨ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ बगैर पाकिस्तानी आर्मी के जो है ना ये उन्होंने इसको नहीं इंप्लीमेंट किया, इनकी कोई सेटलमेंट हुई है अंदर खाते, मेरे अंदाज से मेरा पाकिस्तान आर्मी के साथ सेटलमेंट के बगैर हो नहीं सकता। 75 साल से ड्रामेबाजी में इन्होंने लगाया हुआ हम लोगों को, फिर ये है कि जब उन्होंने किया पूरे पाकिस्तान में घड़ियाँ लगा दी, आज भी वो घड़ी इस्लामाबाद में वो जो है ना चौक पर लगी हुई है, जुलम कर दिया, ये कर दिया, भाई हमने क्या किया, चलो मान लिया, सपोज करें हमने मान लिया उन्होंने जुलम, हमने क्या किया है, आपने क्या किया, चले बताएं मुझे, कश्मीरी खुश हैं? हाँ बताएं ना, खुश हैं, मैंने विजिट किया हुआ, बताएं खुश, आपने विजिट किया, क्या उनका ओपिनियन, मतलब उनका ओपिनियन मतलब मिक्स है, मिक्स है, कुछ कहते हैं खुद मुख्तारी, कुछ कहते हैं पाकिस्तान के, खुद का कुछ कहते हैं कि इंडिया के साथ तो खैर नहीं कहते, लेकिन खुद मुख्तारी वाला ज्यादा ओपिनियन है। A human being is a human being regardless of their religion, regardless of their ethnicity, regardless of where they're from. It makes no difference. If you're a human being, you have the same eyes, same legs, same arms. You have to be treated right. You treat them right and you will be treated right. बहुत अच्छा लग गया, हालांकि इन्होंने क्या है कि स्टार्ट से एक बोलिया थी कि जो प्रोग्राम करांगे सारा पंजाबी च करांगे। बंधुरा अपनारा तो सबाई शुनेछेन काश्मीर के सम्पूर्ण भाव भारत करे नियेछे, आर एर उपर आबार सुप्रीम कोर्टेर राय भारतेर साथे छिलो, जेखाने 370 धारा आर्टिकल के सरिये भारत एकदम सठिक काजके करेछे। तो एखन बड़ खबर एटाओ छिलो जे महाराज हरि सिंह एर ता वंशधररा तारा 370 धारा के उठे देवा के अनेक समर्थन करेछे, जेखाने तारा एटा पर्यन्त बोलेछे जे एटा भारतेर सरकारेर सबथेके बड़ सिद्धान्त जेटा सठिक छिलो। পুরো বিষয়টির উপর যখন পাকিস্তানি সাধারণ জনতাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে মহারাজা হরি সিং এর ছেলে যখন 370 ধারাকে তুলে নিতে ভীষণভাবে খুশি, সেই বিষয়ের উপর পাকিস্তানিদের মতামত জানতে চাওয়া হয়, তো সেই সময় তারা যা বলেছে সেটা শুনে আপনারা অবাক হবেন। দেখে নিন, অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে ভিডিওটি, শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এমন ভিডিও দেখবার জন্য। টপিক পে আতে হ্যায় কাশ্মীর মে ইন্ডিয়া নে 2019 মে আর্টিকেল 370 হটায়া, पाकिस्तान में बड़ा ये हुआ वो हुआ हड़ताल हुई, लेकिन अब उनकी कोर्ट ने भी ये फैसला कर दिया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उनके कि जो आर्टिकल 370 हटा है वो लीगल वे से हटा है, कानूनी तौर पे हटा। और इसके ऊपर बड़ी खबर ये है कि जो महाराजा हरि सिंह थे उनकी औलाद ने भी वेलकम किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, डिसीजन को, कि भाई उन्होंने बोला जो इंडिया ये कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट कर रही है, वो ठीक कर रही है कश्मीर के लिए। मुझे सबसे पहले तो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिएगा, और पाकिस्तान में कश्मीर पे हम क्या कर रहे हैं नारों के अलावा उसके ऊपर आपने अपनी ओपिनियन। पाकिस्तान में आज तक कोई भी यानी कि मामला उठता है ना तो उसके ऊपर सिर्फ वो नारे लगते हैं और है। कुछ नहीं लगता है। और रही बात आर्टिकल की, जो आपको 370 ठीक हो गया, नहीं आप स्टार्ट, हाँ ठीक है, जो 370 का आर्टिकल है ना वो उन्होंने पूरे एक प्लान के तहत, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन, अगर आप ये लगाना चाहें तो सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, अपना ओपिनियन है ये बाजवा डॉक्ट्राइन के जरिए इनके प्रॉपर
बगैर पाकिस्तानी आर्मी के जो है ना ये उन्होंने इसको नहीं इंप्लीमेंट किया, इनकी कोई सेटलमेंट हुई है अंदर खाते मेरे अंदाज़े मेरा पाकिस्तान आर्मी के साथ सेटलमेंट के बगैर हो नहीं सकता। 75 साल से ड्रामेबाजी में इन्होंने लगाया हुआ हम लोगों को। फिर ये है कि जब उन्होंने किया पूरे पाकिस्तान में घड़ियाँ लगा दी, आज भी वो घड़ी इस्लामाबाद में वो जो है ना चौक पर लगी हुई है, मैरिट होटल वाले चौक में मैं अक्सर जाता हूँ, वो घड़ी बस टून टून नहीं कर रही है, उन्होंने टून टून करवा के इनसे हर चीज ले लिया है। ये सारी ड्रामेबाजी है इनकी और कुछ भी नहीं है। पॉइंट इधर ही आता है, फिर जो हमारे जो हमें कहा जाता है जज्बात के साथ खेला जाता है, कश्मीर चार आग है, ये है वो है, हमारे दिलों में नफरतें डाली जाती है इंडिया के लिए कि भाई जो उनसे कश्मीर पे ये हो गया वो हो गया, तो आप नफरत के बात यह है कि कश्मीर चार आग है क्योंकि ये कायदे आजम ने उनको मतलब मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो कायदे आजम ने उन्होंने ये फरमाया था कि कश्मीर चार आग ही है, लेकिन आगे जो हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं डिफरेंट मतलब गवर्नमेंट क्या कुछ भी नहीं आई आज तक, आर्मी ने रूल किया उन्होंने सिर्फ आगे गवर्नमेंट्स भी आई हैं कोई नहीं, कोई नहीं साल दो साल आ गई उसके बाद ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना आप है। तो ये है कि इन्होंने चूने ही लगाया हुआ आज तक हमें पाकिस्तानी आवाम को, अब पाकिस्तानी आवाम समझ चुकी है ये अवेयरनेस आ चुकी है, ये रोना रोया जाता है इकोनॉमी का बड़ा मतलब इशू चल रहा है, क्राइसिस का शिकार है, टूरिज्म के हवाले से अगर बात करें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जिस पे खास तौर पे कश्मीर में अगर बात करें कि हम अगर टूरिज्म के ऊपर वर्क करें तो कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है, हम उनकी तरफ नजर रखते हैं कि भाई उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने 370 वो तो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, वो तो G20 की मीटिंग वहां पे कर रहे हैं, वो वहां पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बना रहे हैं कश्मीर में। जी जी ये है कि यहाँ पे बेशुमार स्कोप है जो टूरिज्म का है ना वो बहुत ज्यादा स्कोप है, वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे, उन्होंने बहुत स्टेबल कर लिया, उन्होंने 1985 के अंदर जो अपने उन्होंने मतलब वो किए हैं अपने सिस्टम डेवलप किया अपना सारा, उन्होंने एक कंसेंसस किया पॉइंट्स के ऊपर कि ये चीज़ें हमने इनको नहीं छेड़ना, उन्होंने उस चीज़ को नहीं छेड़ा जो बेसिक पॉइंट उन्होंने रखे उन्होंने नहीं छेड़ा। कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर में बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट की है वहाँ के लोगों को, मतलब उन्होंने एक हिसाब से डेवलपमेंट करके जो है उन लोगों को सेटल किए हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि आज भी जब कोई मामला इशू होते हैं तो क्या कि वही नारे लगते हैं, वही दो नंबर ही होती है, वही ड्रामेबाजी होती है, आज तक और होता क्या रहा है, कुछ भी नहीं, सारा सिर्फ इन्होंने हमें चूना ही लगाया, मेरी तो सिंपल सी बात है, इन्होंने हमें आज तक जो है ना हमारे साथ दो नंबर ही की है। चूना मजीद चलेगा, ये चूरन जो चूरन बेचा जाता है ये ज्यादा बिकेगा। और रही बात मैं टूरिज्म पे भी आपको बता रहा हूँ कि टूरिज्म मैंने तकरीबन काफ़ी हद तक नॉर्थ का 50-40% जो है ना मैंने एरिया विजिट किया हुआ है, कश्मीर का तकरीबन काफ़ी विजिट किया हुआ है, तो उधर ये है कि इतनी ज़्यादा वो वर्थ है, इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब इतने खूबसूरत एरियाज हैं, आप वहाँ पे रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है, तो अगर ये वाला सारा मामला अगर हो वहाँ पे सारी ये डेवलपमेंट की जाए, ये नहीं इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा आए, खाली ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर में, वो जो है आप दूसरे साइड पे भी यानी कि बेशुमार टूरिज्म का स्कोप है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इनकी अपनी जेबें नहीं भरती, अपनी सियासत नहीं खत्म होती, इनकी अपनी जर्नेलों की जेबें नहीं भरती, तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी। दिन बाद ऐसा कोई पाकिस्तानी ऐसा कोई स्टूडेंट मिला है जो खास तौर पे अगर बात करें जो वाकई रियलिटी के ऊपर कहीं किसी हद तक बात कर रहा है और पाकिस्तान का दर्द रखता है, शायद इसलिए बात कर रहा है। मुझे ये बताएं कि हमें तो ये चीजें दिखा दी जाती हैं, हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि भाई वो वहाँ पे कश्मीर में क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक वो पुरानी फोटोज या पता नहीं कहाँ कहाँ की फोटोज उठा के दिखा दी जाती है, ये देखें जुलम, ये वहाँ पे G20 हुई कोई इस चीज से इनकार करेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने भाई उन्होंने डेवलपमेंट किया, उन्होंने सऊदी अरेबिया UAE इंडिया के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर, उन्होंने अपना फॉरेन पॉलिसी जो अपनी शिफ्ट की है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी की है कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे, ठीक है। अब तो मतलब हमें जरूरत है कि हम किसी एक पॉइंट मतलब पॉइंट के ऊपर आए हम कि भाई अब बस बहुत चूरन ना भी। बस अब बहुत हो गया, आर्मी का चूरन बंद करें। नहीं, आर्मी बार बार आप कह रहे हैं, मैं ये कहूंगा जो भी जिम्मेदार है कोई एक जिम्मेदार, मैं आर्मी इसलिए कह रहा हूँ कि जिम्मेदार वही है, हमारे हमारी गवर्नमेंट हमारे पॉलिटिशियन जिम्मेदार, हमारे पॉलिटिशियन तो है बेवकूफ जिन्हें आज तक ये समझ में नहीं आई कि थोड़ी सी अगर आप 2017 में अब देखें 2017 में नवाज शरीफ को उन्होंने निकाला, उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया, मुझे निकाला, मुझे क्यों निकाला, भाई आपको निकाला, आप वोट को इज्जत दो, वो सारी वोट को इज्जत दो उस दिन बढ़ गई थी जिस दिन उन्होंने अपने सेनेट का चेयरमैन जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सारा किया था, ठीक है, उधर तब किधर गई थी इनकी जो वोट की इज्जत है, ये सारी बातें हैं। कारगिल के बाद भी उन्हें निकाला गया उस टाइम पे भी 1999 वो तो सारा जो है ना उनका समझ लें कि एक ब्लेम किया जाता सारा मुशरफ को ही कि ये मुझे ये नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी
हमें जो है ना करने नहीं दिया, मतलब बगैर बताए जो है ना मुशर्रफ साहब ने फौजें जो है ना ऊपर चढ़ा दी। मेरा तो वाजपेयी के साथ सारा काम बन गया था, हमारा घर था, हमारा ये था, हमारा वो था, सारी ड्रामेबाजी जो चलती रहती है आज तक चलती आ रही है। पहले भी नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि भाई मैंने जो कारगिल वार थी या कारगिल प्लान था उसको अपोज किया था, मैं उसके हक में नहीं था, इसी वजह से मुझे उतार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वाजपेयी साहब आए हमारे रिलेशन बेहतर, और मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि अगर उस तरीके से रिलेशन बेहतर किए जाते तो शायद हो जाता, शायद पॉसिबल है, मे बी वो पॉसिबल है। आज के दौर में जंग के साथ या किसी भी इशू का हल जंग है, और खासतौर पर इंडिया जैसी इकॉनमी के साथ हम कहेंगे जी हम जंग कर दें। आज के दौर में जंग है आईटी की, इकॉनमी की, इकोनॉमी की जंग है, आईटी की जंग है, एआई का दौर है आगे। हाँ, वो वाली ये अभी हमें अभी अभी ये वाला चूरन बेचा जा रहा है हमें, ठीक हो गया बस। तो बेहतरी की उम्मीद है आने वाले टाइम उम्मीद ये जो उम्मीद पे दुनिया कायम है, मुसलमान है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं, ये टॉपिक जो हम इस बाजार में, इस गली में, इस रोड पे खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं, यही टॉपिक अगर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस हो, यही टॉपिक अगर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में डिस्कस हो कि यार दुनिया कहाँ चली, यार इसमें तो क्या ही बड़ी बात है अगर ये होना शुरू कर जाए। आज यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, नाच नंगा नाच हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, दो लफ्ज़ी बात है मेरी, इसके ऊपर आगे कोई मतलब ओपिनियन नहीं। मैं भी पढ़ा हूं मीडिया 2012 से 16 तक पढ़ा हूं, मैं भी पढ़ा, लेकिन अब बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यही है, कुछ भी नहीं है, इन्होंने हमें लगा ही गलत साइड पे दिया, टोटल चेंज कर दिया, हमारा किबले चेंज तब्दील कर दिया। नहीं जा रहा कि दुनिया में क्या हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं जा रहा नेबर इंडिया क्या कर रहा है, हमारा किबले तब्दील कर दिया ना यार, सिंपल सी बात है। जब हमें बता, अब हमारी तालीमी निजाम ही इतना गलत है, इंडिया का तालीमी निजाम देख ले, अपना देख ले, कंपैरिजन नहीं बनता, नहीं। और उनके साथ सफर स्टार्ट किया हमने, आज हम ये कह रहे हैं खड़े होकर कंपैरिजन नहीं, खुद ही देख रहे हैं, ये मेरे लिए शर्म वाली बात है। 1947 में भी नहीं था कंपैरिजन बनता, कि तब बनता था, तब तो एक ही थे ना यार, तब तो एक ही थे। अब उनकी देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तीसरे नंबर पे है दुनिया की, और आईटी के अंदर बहुत आगे हैं, मेडिसिन में देख ले, मेडिसिन है, उसके बाद उनका कपड़े की एक्सपोर्ट, हर लिहाज से यार, हर लिहाज से तीन गुना ज्यादा करेंसी हमारी उनके साथ है। और यही देखें, यही चीजें अगर हम डिस्कस करते हैं या कोई डिस्कस करता है तो शायद उसे इररेलेवेंट समझा जाता है, ये कह दिया जाता है कि भाई ये देखो क्या इंडिया की तारीफ या क्या उसकी तारीफ या दूसरे कंट्रीज की, भाई ये जब तक हम चीजें पब्लिक में नहीं लाएंगे, अवेयरनेस नहीं लाएंगे, हम कुएं के मेंढक की तरह रह जाएंगे। पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हमें चाहिए, हमें इस तरह के देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया अपना किरदार अदा नहीं कर रहा उस लेवल का, अब मेन स्ट्रीम मीडिया अपना किरदार अदा करे, ये सारे मतलब पब्लिकली बताए कि यार ये चीजें हैं, उनको डिफरेंशिएट करके बताए, आम सादा बंदे को नहीं पता इन चीजों का, उनको बताओ कि तो अवेयरनेस आएगी ना। बहुत कम, मतलब 100 लोग 100 नहीं 20 30 लोगों में से बात करते हैं तो कोई एक या दो ऐसी बात करते हैं, अदरवाइज मैं यही कश्मीर के इशू पे बात करता, 90% लोग यही कहते हैं जी इंडिया ने जुल्म कर दिया, जुल्म कर दिया, ये कर दिया, भाई हमने क्या किया, चलो मान लिया, सपोज करें हमने मान लिया उन्होंने जुल्म, हमने क्या किया, आपने क्या किया, चले बताए मुझे, कश्मीरी खुश है, हाँ बताए ना खुश है, मैंने विजिट किया हुआ, बताए आपने विजिट किया, क्या उनका ओपिनियन, मतलब उनका ओपिनियन मतलब मिक्स है, मिक्स है, कुछ कहते हैं खुद मुख्तारी, कुछ कहते हैं पाकिस्तान के खुद का, कुछ कहते हैं कि इंडिया के साथ, तो खैर नहीं कहते, लेकिन खुद मुख्तारी वाला ज्यादा ओपिनियन है जो अप साइड पे है, वो खुद मुख्तारी वाला। दूसरी साइड पे अगर देखें जो इंडिया साइड कश्मीर है वहाँ पे शायद, और अब जो हालात उन्होंने बेहतर कर दिए वो तो शायद हमारे यहाँ पे अगर कोई बोलता है तो उसे दबाया किसी और तरीके से जाता है, ना कि उसका राइट दिया जाए। बलोचिस्तान में भी ये चीजें हैं, हम ये अगर कर देंगे बलोचियों को राइट दे दें तो दबाने से बेहतर नहीं राइट दे दिया जाए, दबाने से बेहतर है कि राइट दे दिया जाए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जरूरी नहीं है कि अब रातों रात उठा दे बंदा, उठाने कोई गए हो, मिसिंग पर्सन वाले केसेस चलते हैं, वो बेचारे सारी सारी जिंदगी यहाँ पे आके तस्वीरें लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं, मिसिंग पर्सन वाला केस आप देखें, जो बात खोलेंगे हर बात के अंदर यहाँ पे मसला ही है। देखिए आपने टॉपिक स्टार्ट किया कि बलोचिस्तान वाला कहाँ से काम आ गया, अभी भी मिसिंग पर्सन, अभी भी हमारा वो नहीं है, अब नहीं हम समझता हूँ कि इस पे मेरे ख्याल से ऐसे अगर पर्सनैलिटी मार्शल मौजूद हो एक घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत से इशूज हैं, लेकिन डेफिनेटली वो भी अपने किसी काम से आए होंगे, मजीद टाइम नहीं लेंगे, मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा, मैं ये चाह रहा था मजीद आपसे बात करूँ लेकिन आपके फ्रेंड्स मौजूद हैं।